दोस्तों बारिश की वजह से आज का मैच हुआ रद्द, कल इतने बजे से शुरू होगा मुकाबला। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों बारिश की वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को पहले दिन रोक दिया गया, दूसरे दिन कब शुरू होगा मुकाबला और कितने कितने ओवर्स का होगा मुकाबला, सब कुछ बताएंगे आपके इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में एक बार फिर से बारिश का साया आ गया है, ये मैच एक बार फिर से यहाँ पर दोस्तों रोक दिया गया है। दरअसल दोस्तों पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में दिक्कत आ गई है और अब यहां पर दोस्तों मैच को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये मुकाबला 10 सितंबर को शुरू हुआ और यहां पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और गेंदबाजी करने का फैसला उनका काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 24 ओवर में उन्होंने 2 विकेट टीम इंडिया के गिरा लिए थे और भारतीय टीम 147 रन का स्कोर कर चुकी है। लेकिन दोस्तों 147 स्कोर करने के बाद एक बारिश आ जाती है और वो बारिश इतनी खतरनाक होती है कि यहां पर दोस्तों पहला दिन तो पूरी तरीके से रद्द हो जाता है। अब दोस्तों सबकी निगाहें टिकी हुई है सेकंड डे पर, क्योंकि इस मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन अब सबके मन में सवाल है कि रिजर्व डे के दिन मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा और यह मुकाबला यहां पर कितने कितने ओवर्स का होगा। तो आपको बता दें दोस्तों रिजर्व डे यानी कि यहां पर दोस्तों 11 सितंबर के दिन मुकाबला होने वाला है और यह मुकाबला दोस्तों अब जो 24 ओवर के बाद से स्टार्ट होगा और इस मुकाबले को दोस्तों 29 ओवर के बीच खेला जाएगा। 29 ओवर का यह मुकाबला होगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला दोस्तों। तो आपको क्या लगता है अब यह मुकाबला कौन जीतेगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।